Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप सोच सकते हो कि मेरा जो एनालिसिस है वो इतना ज्यादा कैसे. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज के इस वीडियो पे मैं कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ. आज हम इस वीडियो पे शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी से रिगार्डिंग. तो साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैंने जो है उसमें जो इंडिया के बारे में मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इंडिया हारा तो क्यों हारा. देखिए, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी प्राइजेक्शन होता है ना, जो भी चार्ट पे प्राइजेक्शन बनता है उसके मुताबिक हमारा साइकोलॉजी क्या कहता है, हम लोग कैसे मार्केट में लोगों को टक्कर देके, मतलब कि कह सकते हैं कि लोगों का जो भी बिहेवियर है, जो भी प्राइजेक्शन है, जो भी उनका सोचने का तरीका है, उससे थोड़ा सा कैसे हम लोग एडवांस बन सकते हैं, वो हमेशा मैं ये चीज़ कोशिश करता हूँ. तो इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया मैच क्यों हारा, तो मुझे इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम नज़र आया, वो है साइकोलॉजी. क्या इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था. क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप का हम लोग मैच खेल रहे थे वो इंडिया को जीतना चाहिए था. अगर आपने इंडिया का पास्ट परफॉर्मेंस देखा होगा तो वो बैक टू बैक हर मैच जीतते आ रहा था. बट फाइनल में ऐसा क्या हुआ जो इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वो मैच चल रहा था? रीज़न एक ही है, वो है साइकोलॉजी. तो इसमें अगर हम बात करें थोड़ी सी, मैं यहाँ पे और इन डेप्थ लेना चाहूँगा. देखिए, इंडिया जो है बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, उसको पता भी था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कहीं ना कहीं वो उनका परफॉर्मेंस भी लैक कर रहा है, बट उनका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. अगर आप इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया था, क्योंकि तब के टाइम पे उसका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग था. बट ऑस्ट्रेलिया के साथ जब फाइनल मैच खेलने लगा, उसका साइकोलॉजी कहीं ना कहीं जो है वो लैक कर गया. इसके वजह से ही इंडिया हारा, और इसके अलावा कुछ भी रीज़न नहीं है. अगर हम ट्रेडिंग के बारे में बात करें, जो कि आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये देखिए चार्ट पे लेके चलता हूँ. और यहाँ पे आपके साथ मैंने अपोलो टायर बहुत पहले डिस्कस किया था. अगर आपको याद हो, मैंने सितंबर 28 को आपके साथ मैंने डिस्कस किया था अपोलो टायर. चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो. मैंने अपोलो टायर और एल्केम का बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, वो आप देख सकते हो. सितंबर 28 को मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा. अगर आप तब के टाइम पे चार्ट कंपेयर करोगे, जो कि वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैंने क्लियरली डिस्कस किया था इसका प्राइजेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा. बहुत सारे लोग आपको दो तरीके की चीज़ बोलते होंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, ये सारी चीज़ें. मैंने एक व्यू आपके साथ शेयर किया था जो कि मैंने कहा था कि ब्रेकआउट आएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हल्का सा यहाँ पे एक बार जो है गैप अप ओपन हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिर से डाउन आया. फाइनली जो मैंने सितंबर 28 को कहा था, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने. यहाँ पे कुछ भी कह नहीं सकता कि हाँ मैंने झूठ बोला था या फिर मैंने ऐसा बोला था वैसा बोला था, नहीं, एग्जैक्टली जो मैंने कहा वैसा ही हमें देखने को मिला. ये था अपोलो टायर. नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखेंगे, एल्केम. एल्केम अभी ऑल टाइम हाई पे है. अगर आपने देखा होगा 3524 के आसपास मैंने ये लेवल शेयर किया था तब के टाइम पे कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, इस प्राइस पॉइंट को छुएगा जो कि 3524 था, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अपमूव देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी देख सकते हो ऑल टाइम हाई है. ठीक है, ऑल टाइम हाई. तो क्या आप सोच सकते हो कि मेरा जो एनालिसिस है वो इतना ज़्यादा कैसे हाई एक्यूरेसी बन सकता है? यहाँ पे कोई भी ये एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, ब्रेक करेगा या फिर कुछ करेगा. मैंने एक व्यू आपके साथ शेयर किया था, वो भी ऊपर जाने वाला, और आप देख सकते हो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है. तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के ऊपर पे डिपेंड करता है. अब ये तो नहीं है कि मैं ये एल्केम का स्टॉक चलाता हूँ, ये तो नहीं है कि मैं अपोलो टायर का स्टॉक चलाता हूँ, ये नहीं है कि मैं रिलायंस का स्टॉक चलाता हूँ. रिलायंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट वो तो इतना टाइम पहले मैंने शेयर कर दिया था कि प्राइस नीचे आएगा, उस लेवल को हिट करेगा. आपको मैं दिखा भी देता हूँ, डेली में आपको मैं दिखा रहा हूँ. देखिए, प्राइस यहीं पे कहीं पे था, मैंने आपको वहाँ पे ड्राइंग करके भी दिखाया था प्राइस नीचे. चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, देख लो. ठीक है, ये जो मूव आना चाहिए वो बिल्कुल भी आया नहीं है. अभी भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो
प्रीवियस जो वीडियो था ना रिलायंस का, मैंने क्लियरली एनालिसिस दिया था, चैनल पे पढ़ा है, देख लो। 2261 का यहाँ पे मैंने एक लेवल दिया था, वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और रिजल्ट आपके सामने है। मैं यहाँ पे कुछ भी झुटला नहीं सकता, ये था स्टॉक, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टॉक है, अगर आपने देखा होगा लॉरस लेब, लॉरस लेब में अगर आप देखोगे, लॉरस लेब में भी आपको सेम ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको एक चीज़ कहा था, काफ़ी लोग घबरा रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ बुक करना है कहाँ बुक नहीं करना है। मैंने उनको ये भी कहा था कि आपका अगर अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है ना, होल्ड करके रखो, अप मूव देखने को मिलने वाला है। तो आज एक टाइम के लिए यहाँ पे प्राइस चला गया था 382, बट अगेन प्राइस डाउन आया। अभी भी मैं इसमें बुलिश हूँ, इसको हम लोग रेडार पे अभी भी रखे हुए हैं और ये हम लोग को एंट्री दे चुका है, टारगेट भी दे चुका है। अभी बस हम लोग इसको स्टॉपलेस को ट्रेल करते रहे और प्रॉफिट को बुक करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हो गया। उसके बाद मैंने VEDL का भी शेयर किया था और उसके बाद मैंने CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, ये भी स्टॉक मैंने आपको साथ शेयर किया था, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं ये कहना चाहता था कि ये देखिए अभी 151 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने तब के टाइम पे आपको ये कहा था कि CUB में मुझे 135 के ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग दिया और ये देखिए मूव कितना अच्छा हमें देखने को मिला। तो चलिए हम लोग वापस साइकोलॉजी के ऊपर में बात करते हैं। तो ये सारे जो स्टॉक के एनालिसिस मैं आपके साथ चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये इनसाइडर ट्रेडिंग में टिप्स मिलता है या फिर मुझे क्या मैं ये स्टॉक को चलाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीज़न बहुत साफ है, साइकोलॉजी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए और ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप मार्केट से थोड़ा सा एडवांस कैसे सोच सकते हो, ठीक है। आपको जो भी एनालिसिस मैं देता हूँ ना, आप चैनल पे पढ़ा हुआ है, देख लो प्रीवियस में क्या चार्ट था, कौन सा करेंट मार्केट प्राइस पे चल रहा था तब के टाइम पे, अभी क्या चल रहा है, रिजल्ट आपके सामने है, ओके। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी देखिए एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता है, टाइम लगता है डेवलप होने में। साइकोलॉजी के ऊपर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम लगने दो, बट ऐसा नहीं कि आपका कोई भी सेटअप बन रहा है, कोई भी एनालिसिस बन रहा है, वो अगर गलत हो रहा है तो मैं कल इंडिकेटर पे शिफ्ट हो जाऊंगा, कल मैं टिप्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा, ये सारे काम आपको नहीं करना है। आपको जो भी जैसा भी स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सब में इफ़ेक्टिव रहता है, सब में काम करता है, बस डिपेंड करता है कि आपको किस में अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे तो स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा लगता है, काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग को अच्छा लगता है क्योंकि उन लोग दिन भर बैठ के स्क्रीन में एडजस्टमेंट ही करते रहते हैं, तो वो सब मुझे पसंद नहीं। मुझे बस चाहिए एक अच्छा खासा हमें प्राइजेक्शन देखने को मिले, प्राइस अगर वहाँ पर एंट्री मिलता है तो मिला और वहाँ से अगर अप जाता है तो अप जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो गया। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता था कि साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है इसका कि आप उस मेडिसिन को खा लो तो आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गया। डे बाय डे ये सारी चीज़ें जब आप नोटिस करोगे, जब इसको प्रैक्टिस में लाओगे, आपका देखोगे मार्केट का व्यू क्या है, आपका पर्सनल व्यू क्या है, जब आप ये सारी चीज़ें देखने लगोगे, समझने लगोगे, फिर जाके आपको ये सारी चीज़ें आपके पानी जैसा क्लियर हो जाएगा, साफ सब कुछ आपको दूध का दूध पानी का पानी कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो साइकोलॉजी है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम हो करेगा ही करेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, इमोशंस भरे पड़े हैं स्टॉक मार्केट में, इसका मतलब साइकोलॉजी भी भरे पड़े। हो सकता है सब लोगों का साइकोलॉजी एक जैसा ना हो और कभी एक जैसा होगा भी नहीं। लोग हमेशा पैनिक करेंगे, इस तरीके का मार्केट में सेलिंग आएगा, क्रैश दिखेगा, तो ये चीज़ें हमेशा होने वाले हैं। तो आप अपने आप को लकी मान के चलिए कि आप अभी ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप इस स्टॉक मार्केट का किंग कोहली बन जाओगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना मार्केट पे टाइम देते हो, कितना नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा समझ भी आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, कुछ अलग तरीके से मैं कुछ स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ, उसको अगर मुझे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट देखने को मिला। हालांकि मैंने डाबा का एक शॉर्ट्स मैंने वीडियो डाला था, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे, बाय।